हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट। आ जाइए फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस जो बच्चे रीट के मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 वाला, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले वक्त में रीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा मोटिवेट करें कि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बना सकें, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आपके सिलेबस में सीधे सीधे टॉपिक दे रखा है सूचना तकनीकी, ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर का, ये 10 नंबर का। इसमें देखो, पहला जो टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, ये हमने इसका वीडियो बनाकर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया, लर्न 24 एकेडमी, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले यूट्यूब में जाइए, सर्च ऑप्शन में, और वहाँ लिखिए सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और जाके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो, है ना। उसके बाद हमने सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स पर पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। साथ साथ हमने सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग भी पार्ट वन एंड पार्ट टू बना के इसको अपलोड कर दिया गया। और आज हम करने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। उससे पहले देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहेगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स हैं, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आ जाइए फ्रेंड, अब समझते हैं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ICT। देखिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आपको समझना होगा। टेक्नोलॉजी की सहायता से जो भी आप इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसकी सहायता से, टेक्नोलॉजी सहायता से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। घर बैठे बैठे आप अमेरिका, USA, फ्रांस, जर्मनी, है ना, दुनिया के बड़े बड़े देशों या छोटे मोटे देशों की कहीं भी किसी भी कोने में, दुनिया किसी भी कोने में आप क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से तो कर पा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें, यही सामाजिक प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। तो आ जाइए सोशल प्रभाव देखते हैं क्या है। देखिए, सामाजिक प्रभाव में दो तरीके से सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे, फास्टर कम्युनिकेशन, जो हमने देखा घर बैठे बैठे आप दुनिया किसी कोने में कर पा रहे हैं, फास्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। ये किस वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इसको साकार कर पाया है। लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट, आज से पहले देखिए, आज से 10-15 साल पहले देखिए, अगर आपको ISD कॉल करनी हो, इंटरनेशनल कॉल करनी हो, अब 2-4 मिनट के भी आपके 50 से 100 रुपये लग जाते थे, ठीक है। और अगर आपने 2 से 4 घंटे कर ली तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कॉल कॉस्ट आ जाती थी। परंतु आज क्या है, आप आज पूरे दिन बैठे रहिए, आपके 100-200 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली है। जो आपने फुल डाटा रिचार्ज करा रखा उसी में ही हो जाएगा आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है एक तरीके से, है ना। रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आज देखिए विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है हमारी इन चीज़ों पर, तभी तो हम गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, व्हाट्सअप, फेसबुक, इनको अपना डाटा एक्सेस करने दे रहे हैं। ये हमारे डाटा का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन पर रिलायबल होते जा रहे हैं, है ना। इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है। देखो, व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियोज़, ब्लॉग बना के हम डाल रहे हैं, लोग हमारे बारे में देख रहे हैं, हम उनके बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं, ईजिली शेयर हो रही है इन्फॉर्मेशन, है ना। पेपरलेस एनवायरनमेंट होता जा रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सीधे ही स्कैन करते हैं, एडोब रीडर में ले लेते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक में इनको सेव करके रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, है ना। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से स्टोरेज प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें अपने पर्सनल डाटा को रख रहे हैं, है ना। बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन हो पा रहा है, जो भी आपने देखा था, दुनिया के किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। देखिए, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, सामाजिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, क्या क्या फ्रॉड, बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य देखने को मिल रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आइडेंटिटी थेफ्ट, लोग हमारी आइडेंटिटी को चुरा के खुद की आइडेंटिटी से हमारे डेटा को भेज रहे हैं, है ना। लोग आप देख रहे हैं कि लड़के भी लड़कियों के नाम से ID बना ले रहे हैं, फिर वो उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनसे पैसे मंगा ले रहे हैं, उनका हरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। पोर्नोग्राफी जैसे एक्ट बढ़ते जा रहे हैं, है ना। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हैकिंग बढ़ रहे हैं, लोग आपके डाटा को चुरा ले रहे हैं, हैक कर ले रहे हैं, फिर आपको ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपसे रैंसम मनी मांग रहे हैं उसके लिए, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे बैड बॉडी पोस्चर होता जा रहा है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो कैसी होती जा रही है, बैंड होती जा रही है, आई स्ट्रेन आ रहा है, आँखों पर काले धब्बे पड़ते जा रहे हैं, आँखों में दर्द रहता है, आँखों से दिखाई कम दे रहा है। क्यों, क्योंकि हम चद्दर ओढ़ते हैं, रजाइयों में घुसकर लाइट बंद करके फ़ोनों में लगे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, बचना पड़ेगा। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा,
हमारी बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती जा रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप घरों से बाहर निकल नहीं रहे, दिन भर कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप इन्हीं में लगे हुए हैं। आप क्या है, एक्सरसाइज करने जाते नहीं हैं, पार्क में जाते नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला देखो, पहला सुख है निरोगी काया। जब आपकी बॉडी सही रहेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, तभी तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको पार्क जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, जो भी आप कर सकें, योगा करना चाहिए, है ना, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने को, इन चीज़ों को आपके समय में 1 घंटा, आधा घंटे का समय निकालना चाहिए। और आपको ये रेगुलर आपको अपनी हेल्थ पे ज़रूर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, अब देखते हैं निजता, सीक्रेसी। देखो, सीक्रेसी का सिंपल सा मतलब है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, कि आप जो भी टेक्नोलॉजी की सहायता से इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो आपका पर्सनल डाटा है वो आपकी इच्छा के बिना उसका इस्तेमाल कोई और ना कर सके, ठीक है? तो आपकी इच्छा ज़रूरी है उसमें। जब आप उस आपकी इच्छा नहीं है तो वो सीक्रेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। किसको रखनी पड़ेगी? सोशल प्लेटफॉर्म को रखनी पड़ेगी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, है ना। तो ये क्या करेंगे, आपकी सीक्रेसी मेंटेन रखेंगे। देखिए, इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डेटा का उपयोग कर सकता है। अधिकृत व्यक्ति कौन है? जैसे ये है, अब ये नहीं चाहती हैं कि इनका डाटा कोई और पढ़े, तो ये क्या करेंगे, पासवर्ड लगा देंगे, उसे प्रोटेक्शन लगा देंगे, है ना। तो यही पढ़ पाएंगे। अगर ये पासवर्ड किसी और को दे देंगे तो वो इसका एक्सेस कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपको इसका पासवर्ड दे दिया जाए, इस आईडी का, और आपको बोल दीजिए ये फोटो डिलीट कर दो, तो आप कर देंगे। और आपको सिर्फ बोला जाए कि नहीं, ये पासवर्ड ले लीजिए, पर आपको इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं करना है, तो आप उसके लिए अलाउ नहीं है। जो चीज़ आपको बोली गई है वही आप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पढ़िए, किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बस ये चीज़ बता रहा है। आ जाइए, अब देखते हैं अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? देखो, ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है जिस बंदे को ऑथराइज किया है वही उस डेटा को पढ़ सके। अब कंप्यूटर को क्या पता है कि कौन बंदा इसका असली मालिक है, इस आईडी का, ठीक है? तो वो कैसे पता चलता है? जिसके पास जो पासवर्ड होगा वही तो उसको पढ़ पाएगा। जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो उस आईडी को कैसे एक्सेस कर पाएगा? पासवर्ड किस तरीके का हो सकता है? आपकी रेटिना हो सकती है, आपकी फिंगरप्रिंट हो सकती है, है ना, आपके वॉइस कमांड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पासवर्ड। जिसको ऑथराइज कर रखा है वही उस डाटा को पढ़ सकता है, चाहे फेसबुक आईडी हो, चाहे गूगल हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे आपको किसी को पेमेंट करनी हो, है ना। तो ये ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका डाटा क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, उसका मिसयूज़ हो सकता है, आपकी पर्सनल डाटा हो सकता है, फोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ऑथेंटिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ICT। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब देखते हैं सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी। देखो, इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब ईमानदारी। आप ईमानदार होने चाहिए अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से क्या होनी चाहिए आपके अंदर, ईमानदारी। आप देखो, इस एक लाइन से आप इसको समझ सकते हैं, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप कैसे ईमानदारी पूर्वक सही काम कर रहे हैं, इसी को ईमानदारी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी का पर्सनल पासवर्ड है, आईडी पड़ी है, ठीक है, तो आप उसके डेटा का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, है ना, या फिर फ़ोनपे, UPI इसका पासवर्ड आपको दे दिया, तो आप ये नहीं कि उसके व्हाट्सअप मैसेज पढ़ लें, उसके फेसबुक की फ़ोटोज़ का मिसयूज़ कर लें, है ना, उसके फ़ोनपे या गूगल पे का मिसयूज़ करके सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। ऐसा नहीं, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। वो दूसरे का है तो वो दूसरे का है भाई, है ना। तो इस तरीके से ईमानदारी बनाए रखना चाहिए हर चीज़ में, हर तरफ। जब आप अंदर से ईमानदार होंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने जीवन में, खुद भी मोटिवेट होंगे, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब देखते हैं साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म। देखिए, प्लेगरिज्म क्या होता है? किसी दूसरे के वर्क को, काम को, है ना, अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके प्रकाशित करना ही साहित्यिक चोरी कहलाता है। देखिए, यहाँ समझ सकते हैं, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना ही साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म कहलाता है। चाहे वो स्टूडेंट कर रहे हों, चाहे वो टीचर्स कर रहे हों, है ना, कोई रिसर्चर कर रहा हो, या फिर कोई भी बंदा, चाहे उसको फिल्म बनानी हो, है ना, वो दूसरे की जो स्क्रिप्ट है उसको चुरा कर अपने नाम से फिल्म बनाकर फिर छाप दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं चारों तरफ सोसाइटी में, हर कोई कोई ना कोई काम कर रहा है और उस काम की कोई ना कोई चोरी कर लेता है। जैसे हमारे बॉलीवुड में आपने बहुत बार देखा होगा, हॉलीवुड की पिक्चर है उसकी कॉपी करके इंडिया में बना देते हैं, तो वो भी एक तरीके से साहित्यिक चोरी ही है। परंतु क्या वो परमिशन लेके करते हैं? तो इसलिए वो साहित्यिक चोरी में नहीं आता, वो उसकी पेमेंट करते हैं उसको। जब वो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो वो साहित्यिक चोरी में आ जाएगा, है ना।
है ना। जब आप सामने वाले को नहीं बताएंगे भैया हम तुम्हारा इस वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो साहित्यिक चोरी है। और जब आप बता के करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो ये है, इन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। आप किसी के दूसरे के काम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको पहले इन्फॉर्म करिए, उसको बताइए कि भैया हमने तुम्हारे इस वर्क का इस्तेमाल हमारे इस काम के लिए करना चाहते हैं, और वो उसको आपको अलाउ करता है, तब वो साहित्यिक चोरी नहीं होगी। अदरवाइज़ वो किस में आएगा, साहित्यिक चोरी में आएगा, प्लेगरिज्म में आएगा। साहित्य से रिलेटेड वाली बात कर रहे हैं, साहित्य लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के अलावा भी चोरियाँ हो सकती हैं, काफ़ी सारी चोरियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन चोरियों की हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ साहित्य की। तो हम साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए साहित्यिक चोरी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, दूसरे ने कोई किसी का कोई डाटा है, किसी की कोई रिकॉर्डिंग है, किसी की कोई वॉइस है ना, किसी का कोई गाना है, वो उसने बना के डाला हुआ है, आप उसको चुरा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके आप अपने नाम से छाप दे रहे हैं, उसके वीडियोज़ को चुरा ले रहे हैं, उसमें एडिटिंग करके अपने नाम से छाप दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या साहित्यिक चोरी तो है। तो आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में क्या है, साहित्यिक चोरी करना, कट कॉपी करना, ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसीलिए लोग क्या है, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने रिसर्च पेपर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्या है, उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इस तरीके सॉफ्टवेयर भी बनाए जा रहे हैं कि जो आपकी साहित्यिक चोरी को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसीलिए क्या है, आप कोई भी इस तरीके का अनैतिक कार्य ना करें और खुद से अपने खुद का कंटेंट क्रिएट करें, फिर उसको पब्लिश करें, तो आपको खुद से अंदर से खुशी मिलेगी, है ना। और देखो, शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरीके की जो अकादमिक बेईमानी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अकेडमिक डिसऑनेस्टी बोलते हैं, है ना। शैक्षणिक छल को क्या बोलेंगे, अकेडमिक फ्रॉड कहलाता है। और जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में इस तरीके की चोरी करता है कोई पत्रकार, तो उसे क्या बोलते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कहा जाता है। साहित्यिक चोरी करना कोई, देखिए साहित्यिक चोरी करना कोई अपराध नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो फिर साहित्यिक चोरी क्या है, साहित्यिक चोरी है नैतिक आधार पर अमान्य है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला, एक तो क्या होता है, आपको साहित्य के बारे में पता होना चाहिए कि साहित्य किसी ने पहले से पब्लिश ना कर रखा हो। अगर किसी ने पहले से पब्लिश कर रखा हो तो इस चीज़ से बचना चाहिए, किसी ने उस चीज़ का इस्तेमाल कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर किसी ने पहले से उसका इस्तेमाल कर रखा है और आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस बंदे को आप पहले जाके अवगत कराइए कि भैया हम आपका ये वाला डाटा हमारे इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे परमिशन लीजिए, ठीक है। अगर वो उसको आपको अलाउ करता है तो कॉपीराइट का क्या होगा, उल्लंघन नहीं होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, साहित्यिक चोरी से बचें, है ना। और अपना खुद का डाटा कंटेंट क्रिएट करने का हमेशा ट्राई करना चाहिए। अपने अंदर, खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर होंगी तो इंसान आगे तरक्की करता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते, आ जाइए फ्रेंड। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है। निजता, ऑप्शन बी है प्रमाणिकता, ऑप्शन सी है सत्यनिष्ठा, ऑप्शन डी है साहित्यिक चोरी। देखिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल एक चुटकी में ही आ जाएगा, है ना। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप कमेंट करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, उससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप खुद से लिखने का ज़रूर 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 ट्राई करें, यह आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा योगदान देगा और लोगों से ज़्यादा आगे निकलने में आपकी सहायता करेगा, है ना। तो आपके कोई सजेशंस हों तो वो आप दे सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे कंटेंट बना सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, ठीक है, बाय।